So hello everyone in the Ansarkari CSAT series, and today we are taking the two different set of questions of the CSAT paper 2023. So now I leave it to Aushik to please explain the two respective questions. Okay everyone, we will take up two questions today. First question is, each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of digit of resulting number? तो पहली बात है कि वन का बात हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब वन 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 ऐसे करके 9 digit तक रहेगा, इंटू वन 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 9 digit तक रहेगा। ये पसंद में आ गया आपको। अब इसका जो रिजल्टेंट नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल n, इसका सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। मोशिक सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि मतलब वो बोल रहा है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9-डिजिट नंबर, तो एक ही 9-डिजिट नंबर है और उसकी सारी डिजिट जो है वो 1 है और इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी जो 9 डिजिट का एक नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो वही तो बात की कि तो आपने जो ड्रॉ किया है मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है? ये 9-डिजिट नंबर है जिसका 1111 है ईच डिजिट, और इट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, इसका रिजल्टेंट नंबर एन हुआ, एन का फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट, मतलब एन का कुछ नहीं, होगा मैं ना। आपसे फिर वही पूछ रहा हूँ कि अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये दूसरी बनाने की क्या जरूरत है? निवेश, आपको ये लग रहा है कि ये जो 9-डिजिट नंबर है इसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स को नहीं मल्टीप्लाई करना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ। अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होता ना कि डिजिट्स वुड बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तब जो आप कह रहे हो वो सही होता। ओके, फुल स्टॉप है यहाँ पे। पर। डिजिट है, डिजिट है, डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब द नंबर, सॉरी नंबर इज नंबर, मल्टीप्लाइड हाँ बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो पहली बात है कि इसमें भी हर बार देखा जाता है कि एक ट्रेंड होता है और एक पैटर्न, पैटर्न और ट्रेंड होता है हर एक नंबर में। एक गौर किए हम लोग, पिछले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब में एक पैटर्न, सही बात है। तो हाँ आपको सही पता बात है। होना चाहिए कि अगर ऐसा यूपीएससी देता कि 11 ऐसे ऐसे करके इंटू 11, और ये ऐसे आप कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत लंबा हो जाता, नहीं होता क्या? हाँ हो जाएगा। हाँ, तो कुछ पैटर्न होगा, हमेशा याद रख रहे हो कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको कुछ एक पैटर्न होगा। तो दो चीज़ से होगा काम, एक ट्रिक होगा, ट्रिक इज बेस्ड ऑन फार्मूला, फार्मूला एप्लीकेशन किए और आपका आंसर निकल गया। ठीक है, दूसरा होता है कि पैटर्न होता है, जैसे हमने किया बिना फार्मूला यूज करके। तो अधिकतर क्वेश्चन में फार्मूला यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला से डिसाइड नहीं होता है कैसा आप सोचते हैं, फार्मूला पता है या ना पता है, लेकिन पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं कि आपका लॉजिकल रीजनिंग कैसा है, समझ में। तो आप क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में पहला पूछा है कि 11, 1 × 1 मनमान के चलते पहले, ठीक है, इसका क्या होगा, वन वन सम क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, यहाँ सम ऑफ डिजिट लिखते हैं, ठीक है। तो सम क्या होगा, ठीक वन। है, अब वन इलेवन इंटू इलेवन क्या है इसका आंसर, 121, वन ठीक है। अब एंड इसका क्या होगा, 1331 आई थिंक। हाँ इसमें होता है टू ऐसे, ये होता है कैसे होता है, क्योंकि एक ऐसा है 11 और 11 है ना, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप बेसिकली क्या करते हो, इसको ऐड करते हो यहाँ पर ऐसे 11 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2, तो 1 2 1। तो आप देखना ट्रेंड दिखेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हो गया और 1 2 1, अब ये 4 हो गया, तो क्या होगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा 1 3 4। ये आंसर इसका, समझे। तो ये पैटर्न है 11 का, तो वैसे ही ठीक अगर 9, अगर 9 हो गया 1111111 इंटू डॉट 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 इंटू 1111 डॉट 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 9 तक होगा, तो क्या होगा। 4 तक है तो 4 तक चलाना है आपको, तो 9 तक है तो क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होगा आंसर इसका। अब इसको ऐड कर दो आप, तो कैसे ऐड करोगे? तो पहले 1 2 8 ऐड करोगे, ठीक है? 1 2 8 ठीक है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, समझ गया ना? ठीक है ठीक तो है बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 into 2 plus 9, ऐसे कर सकते हो ना? तो इसको कर दो आप, कितना हो जाएगा ये? 5 10, ये भी 10, 9 प्लस 7 ट्वेंटी 81 नाइन है ना? हाँ 29 प्लस 7 36 into 2, हो गया। इसका आंसर 81। 81 ठीक है। हाँ सही ना मतलब ये पूरा? पैटर्न ढूंढना है और वो रेप्लिकेट करना है ये नाइन्थ हम लोग किए थे स्टेज याद है, पर। ये वाला 99 वाला, 13 से डिवाइड हाँ करना है। तो इसका ठीक पैटर्न है समय आप गौर कर रहे हो, क्या पैटर्न है इसमें? हर बार आप एक यूज करो, 9 डिवाइड बाय 13 उसका रिमाइंडर, 99 बाय 13 रिमाइंडर, अब सबका निकलते रहेगा, तो हर बार करना पड़ रहा है ना? तो ठीक वैसे है ही इस बार भी हर बार मल्टीप्लाई करो, तब एक पैटर्न एक दिखेगा। हो सकता है इसमें, के तरीका भी तो हो सकता है ना, जैसे 11 मतलब 2 बार आ रहा है उसमें 1 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा सम जो कि 4 है। और जैसे अगर हम 1111 वाले में देखें, 1111 वाले में, तो उसमें 4 बार आ रहा है 1, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा सम यानी कि 16। तो ऐसे भी तो देख सकते हैं ना इसको। हाँ दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वो जो ट्रिक है ना वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लगता नहीं है ट्रिक, मतलब एग्जाम में अगर अगर जल्दी जल्दी करना पता है तो ऐसे तरीका में हर बार वैसे ही करना, मतलब हर बार आपको मल्टीप्लाई करो, एक ट्रेंड ढूंढो और सॉल्व करो। इसमें वैसे ही था, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ट्रेंड ढूंढो और सॉल्व करो, इसमें वैसे ही था। तो सब में आप ट्रेंड ढूंढना ना आसान होता है, एज कम्पेयर टू कि आप कभी कभी ट्रिक यूज करो, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। ऐसे कर तो सकते ही हो वैसे भी, समझे प्रवेश? हेलो हाँ शुक्र। सर, मैं आप ये वाला हाँ ठीक है ठीक कि हर बार एक लाइन में आप लिखना, जल्दी जल्दी करना उसको, तो आपको एक ट्रेंड ठीक समझ है में आएगा हर बार। इसमें भी आप देखोगे ट्रेंड होगा, इसमें भी ट्रेंड है, हमने किया था ना 7x7x+ हाँ ये कर 96, चुके हैं ठीक तो सब में ट्रेंड है, तो हर बार अप्लाई करना, जल्दी करना आप, लेकिन इसमें तो है। कैलकुलेशन जल्दी करना है, बस इसका यही है नेगेटिव फॉल आउट। जो प्रेरणा का मेथड है वो जल्दी होता है, लेकिन उसमें एक है कि लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है हर एक पे, लेकिन ये ट्रेंड फाइंड आउट करने में हर बार लगेगा, लेकिन जल्दी कैलकुलेशन करना होगा इसका। तो एक और एक दूसरा चीज़ है, ये लिखा हुआ है, वॉट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपियर इन ऑल द इंटीजर बिटवीन 110 to 100। तो 10 to 100 है इंटीजर है, अब इसके बीच में नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट निकालना है, तो किसके इसका निकालना है? तो आपको 11 से 99 हाँ 11 12 ऐसे करके पूरा लेकर के 99 10 to 11, 11 होगा शायद, 11 से लेकर 99। हाँ नहीं, इसमें फ्रॉम और टू लिखा है ना, वो तो जब होगा ना, जब बिटवीन होएगा, अगर लिखा होता बिटवीन 10 एंड 100 तब निकालते ना 11 से 99 तक। यस मैं भी यही कह रही हूँ कि 10 और 100 इंक्लूडेड होना चाहिए, कि उसने बोला फ्रॉम 10 टू 100, अगर वो बिटवीन बोलता तो हम इसको एक्सक्लूड करते। हाँ, सही बात है। फ्रॉम 10 to 100 है, मतलब 10 से। तो 10 11 12 यहाँ से लेकर 100 तक है पूरा। तो इसको सॉल्व करना है, तो पहली बात है कि इसे सम ऑफ डिजिट निकालना है,
सम ऑफ डिजिट, तो इसका क्या सम ऑफ डिजिट होगा प्रवेश? इसका हाँ तो ये मुझे प्लस करके देखना पड़ेगा, 9876 प्रेरणा बताओ इसका, आपको तो पता ही होगा इसका कैसे निकालना। मैंने तो ऐसे किया था कि जैसे 10 से लेकर के 19 तक पहले 1 हो गया है ना, मतलब 10th हाँ प्लेस हाँ वाला डिजिट ले लिया, हाँ फिर बाद में 0 से लेकर 9 तक का, तो ऐसे करके फिर पूरा 100 तक। तो ऐसे कर सकते हो। एक और सम ऑफ डिजिट है ना, इसका मतलब 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 ऐसा और है प्रवेश, ठीक है, ये थोड़ा आसान है। हाँ है ना? तो आप इसको ही जोड़ लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है, तो अब ठीक है 20 को ठीक हटा दो क्योंकि फिर दिक्कत हो है, जाएगी। 20 वाला अलग से ले लेंगे, हमेशा इसमें लेंगे, यहाँ से लेंगे 20, 21 यहाँ पर आएगा, ऐसे से करके। तो ऐसे लिख ठीक सकते हो है ठीक इसको, तो अब नया करते हैं। 10 है, यहाँ 11 है हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 13 हो गया, 14 हो गया, ऐसे करना 19 तक। 20 फिर यहाँ ले लिए, ठीक है ठीक 21 22 है ऐसे से करके 29 तक, फिर ठीक है ठीक 30 हो गया, डॉट 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 90 हो गया, ठीक है, है ठीक और 100 हो गया, 99 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, अब इसी हाँ को ठीक पूरा है। ऐड करना है ना? तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ऐड करेंगे, और यहां से जितना यहां तक बार आता है ना, ये वाला पैटर्न मल्टीप्लाई करते हैं। कर सकते हैं, मतलब मतलब यहाँ पर 1 0 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 9 तक करेंगे। हाँ ठीक है, कर दिया ठीक है। अब ये कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से लेकर 9 तक है, कर सकते हैं ऐसे। हाँ तो 9 बार आए। हाँ, अब वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 छोड़ लेते हैं, बाद में लेने का 100 क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक तो ये 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 है, अब ये कितना बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है बेसिकली, नहीं 0 इंक्लूडेड, 10 तक है ये। सही में क्या किया इसमें? नहीं, बार तुम पूरा बताओ फिर मैं रेज करूंगा क्वेश्चन। देखो आप ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, समय लग जाएगा, ये सही में आ हाँ रहा है टाइम आपको? ज्यादा लगेगा। हाँ, आप कैसे इसको ऐड करोगे, पूरा इसका पूरा डिजिट को ऐड करना, हर एक डिजिट को ऐड करना पूरा। इसमें क्या होगा, 31 होगा, यहाँ क्या होगा, 41 होगा, यहाँ 51 होगा, 61 होगा, 71 ऐसे डॉट डॉट, 81 91 होगा, ठीक है हाँ वैसे ही ऐसे करके करोगे तो 33 होगा, 34 होगा, डॉट डॉट 43 होगा, 44 होगा। तो मैं काउंट कर रहा हूँ कि जो 0 1 2 3 4 5, यूनिट डिजिट का बात करो, यूनिट डिजिट यहाँ, ये यूनिट ठीक डिजिट, है। ये यहाँ तक 9 तक है। अच्छा आप ये कह रहे हो, मैं हाँ, बोलता हूँ, आप ये कह रहे हो कि आपने एक बार जो है 0 से लेके 9 तक तो ऐड वर्टिकल ले करना। लिया, एक बार हाँ हॉरिजॉन्टल ले लिया, और हाँ एक जो वर्टिकल वाला है उसको 10 से इंटू कर दिया, और हॉरिजॉन्टल वाले को 9 से, हाँ क्यों हॉरिजॉन्टल 9 सीखिए, क्योंकि उसमें नंबर क्यों? 9 बार आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि ये देखना होगा ना कि यहाँ से मतलब 1 से लेकर के 9 तक है यहाँ पर, लेकिन इसमें 0 से लेकर 9 तक है, और यहाँ पर 10 डिजिट है, 10 बार है, वहां पर यहाँ 100 पर भी आ सिर्फ रहा है। 9 ही है। तो अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो मेरे को वर्ज तो इसको मेरे को 1 से लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक सेकेंड, ये 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आया, तो 9 लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। ठीक है अब इंटू फिर 9 कर दे, क्योंकि 9 बार आ रहा है ना, सेम ट्रेंड है, 9 बार, तो ट्रेंड देख रहे ना, ट्रेंड देख रहे हैं बेसिकली, हर क्वेश्चन में ट्रेंड देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है पैटर्न बेसिकली। तो 9 बार बन रहा है पैटर्न, ये तो 9 बार लिख दिए, और फिर प्लस अब इसका कर रहे हैं, मतलब कि अब हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 कब तक है, 9 तक है ना? तो कितना हो गया इसमें, 10 हो गया, 10 बार हो गया, तो 0 से लेकर हाँ यहाँ पर लिख ठीक दिया 9 और इंटू 10 कर दिए, ठीक है
तो 1 से 9 तक ऐड करने से क्या आंसर आते हैं बताइए आप। हम तो फॉर्मूला एक बार यूज कर ही देंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन ऐसे अगर ये बताना होगा आपको कि एन इंटू एन प्लस 1/2 क्यों होते हैं, नहीं वो आपको एन एन बता प्लस दूंगा अलग से। वन हाँ तो मतलब 9, 9+1/2 कह रहे हो ना, मतलब वो पता है आपको, ये फॉर्मूला मेरे को सिर्फ यही पता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का सम निकालने के लिए। हाँ, क्योंकि जब कॉन्जिक्यूटिव को ऐड करना पड़ता है तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं, तो इसमें ठीक 9 है, है तो 9 इंटू 10, 45 हाँ 2/2 कितना हो गया, आंसर। 45, पहला वाला हो गया 45। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या हुआ, ये सेकंड है, ये फर्स्ट वन है, तो सेकंड वाला क्या होगा, एन इंटू टेन एन इंटू वन प्लस इलेवन 1/2, तो 10 इंटू इलेवन फिफ्टी कित क्या होगा इसका आंसर, 5 55। आप दोनों का ऐड करो कितना होता है, 100। ठीक हेलो, तो बेसिकली ये 45 आता है, अब इसको इंटू 9 करना है, तो क्या हुआ प्रवेश बता दीजिए, तब तक मैं आगे जाता हूँ। 395। 395 कैसे हो, 45, 45, 36, 39, 40, 40, 405 हो ना, और हाँ 405। हाँ ठीक है। अब जाते हैं दूसरे वाले में, 10 डिजिट में आते हैं, 55 है, इसका 495। तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है इसका। 10 की वैल्यू ना इसमें 10 नहीं लेनी थी, दूसरे वाले में, इसमें भी शायद 9 ही लेनी थी, हाँ, वही मुझे लगा था। है ना? तो पहला वाला में जो निकाले तो 445 निकला, एन इंटू एन प्लस 1/2, सेकेंड वाला में भी एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 9 प्लस, ये होगा इसका आंसर निकालना बेसिकली। तो ये 45 इंटू 9 प्लस 45 इंटू 10, इसका आंसर आएगा 405 प्लस 450, इसका आएगा 855, और हमने 100 नहीं लिया था यहाँ पर, यहाँ पर 100 है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसमें 100 855 प्लस 1 कर देंगे, 856 हो जाएगा, क्योंकि 100 को भी लेना है इसमें, इसलिए 100 अगर 1 तक होता, 101 तक होता तो एक और 1, इसमें एक और 2 ऐड कर देते, 858 हो जाता, ठीक है। ठीक है, तो उसी के एक बार आप थोड़ा इसको हाँ बता रहे थे, रिफ्रेश सॉरी, करें क्वेश्चन हाँ को। 800 माइनस करो तो इसको, अब ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट व्हिच अपीयर इन द ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 टू 100, तो 10 से लेकर के 100 लेना, जो भी डिजिट है आएगा, 11 12 13 14 15 से लेकर के 19 21 22 23 24, सबको ऐड करना है एज अ डिजिट, तो ऐसे इसको टेबल बना सकते हैं। अब इसको इजी करने के लिए वी कैन ऐड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, एक यूनिट डिजिट के लिए हो गया, यूनिट डिजिट मतलब ये वाला, 10 डिजिट मतलब दिस वन, और ये 10 डिजिट हो गया। सबको अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितने डिजिट है, एक तरफ में 9 है, दूसरी तरफ में कितने हैं, 10 है,
तो सबका अगर सम निकालेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू नाइन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू टेन। अगर इसमें नाइन डालेंगे, एन का वैल्यू नाइन हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा 45। तो 405 प्लस 450, 855 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पूछा है 1 to 100, तो 100 का टोटल डिजिट कितना होता है, तो 1 होता है इसका, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे, 856 आंसर हो जाएगा। सर मैं प्रवेश, इसका आंसर बी है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन 100 के अंदर मतलब एक डिजिट होती है, तो वो तो लेकिन हमने पहले ले चुके थे ना वो तो, हम 100 नहीं लिए को थे ना हम लोग, यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक ही लिए थे, और यहाँ से लेकर 99 तक लिए थे सिर्फ, तभी तो 9 आ रहा था ना, 9 और 9। लेकिन ओशिक फिर तो एक कंसर्न ये भी है कि अगर हम वर्टिकल भी नापते हैं और हॉरिजॉन्टली भी नापते हैं तो दोनों साइड नो नो ही है। 10 × 10 आपने तभी तो किया ना जब आपने 100 को लिया है। हाँ लेकिन 0 है ना यहाँ पर, ऐड तो इसमें 0 कर रहे हैं, इसलिए इसमें 10 होगा, तब जब तब इसमें 9 into वो आएगा, मतलब 9 10 by 2 आएगा, यही कारण। 10 डिजिट है तो इस इस तरफ साइड में। से आपने जीरो हाँ काउंट किए यानी। हाँ लेकिन एडिशन में तो नहीं आ रहा ना वो जो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू जो होता है ना, वो 0 से नहीं होता है, 1 से होता है, इसलिए गलत हो गया था पहले। ठीक ठीक है, तो है सही में। अगर मान लो आप यहाँ पे 121 लिखा होता तो हाँ 121 अगर होता तो हम लोग क्या करते, फिर हम लोग फिर 100 से अलग से करते, 90 ये पूरा ले लेते अलग, ये पूरा, ठीक और एक सेकेंड, है। ये पूरा ले लेते। अब इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते 100 से, 101 102 से लेकर के 109, यहाँ पर 110 से लेकर के 119 और 120 121 तक, तो ये दो अलग से बन जाता। फिर तब इसमें क्या करते, यूनिट डिजिट को ऐड करते, तो सेम होता फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू जो सिंपल है, हाँ मतलब ज़रूरत नहीं है 9 का। अब इसमें भी सेम करना है तो इंटू 2 हो जाता है ना, दो बार है ये। फिर 10 डिजिट करते, और फिर हम लोग 100 डिजिट करते हैं, तो 100 का डिजिट कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आता है यहाँ से, यहाँ से फिर 9 आता, 18 आता। सही में क्या बोलना चाह रहे, नहीं मेरे को ये तो समझ आ गया कि सीधे हम मैं बता इसको रहा हूँ, दो बार करते, लेकिन फिर आप नाइन बता रहे। कहते हो हाँ पता मतलब। ऐसे ये है, मैं कर रहता हूँ ये लास्ट करके, ऐसे ये तो समझ में आ गया आपको, ऐसे करके हंड्रेड हाँ नाइन ठीक तक, है ठीक है। यहाँ पर 110 हो गया, हंड्रेड हंड्रेड नाइनटीन हो नाइनटीन गया, 120 हो गया, 121 हो गया, ये सही है। अब ये दोनों अलग है, इसको अलग से ले लेंगे, पहले ठीक ये है दोनों लेते हैं, ये दोनों का हम पैटर्न लेते हैं। तो यहाँ यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का एडिशन पहले करते हैं, टोटल यूनिट डिजिट, ठीक है। ठीक फिर टोटल 10th डिजिट एंड टोटल 100 डिजिट। ये 100 डिजिट हो गया, ये 10th हो गया, ये यूनिट हो गया, दिख रहा है। अब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 है, ऐड करना है, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये ठीक है, होगा इसका 45 ही इंटू आएगा। टू, टू होगा क्योंकि तो दो बार है, ठीक ठीक है। है ठीक अब ये क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे, 0 1 0 1 0 1, हर बार 1 हो रहा है, 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 0 है ना, ये तो खत्म हो गया आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बस और ऐड करना है, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, बस ये आएगा इसका, क्योंकि 1 यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसे करना, ऐसा होगा पूरा, नहीं, और ऐसे एक में नहीं फिर आता वन भी ही बन होगा। ही हाँ रहा है, हाँ 1 ही रहेगा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ 10 होगा सिर्फ इसका, तो इसका 10 होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, 1 1 3 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही है यहाँ पर, तो 1 कितने बार है, तो यहाँ से अगर जोड़ोगे तो 10 हो गया, तो 10 हो गया इसका। अब यहाँ पर कितना 1 है, 100 डिजिट में 1 से लेकर के 1 9 हो गया, और प्लस नहीं 10 हो गया, इसमें 20 हो जाएगा और यहाँ 1 से लेकर के यहाँ 1 प्लस 10 हो गया, तो 20 हो जाएगा। ना। तो ये तीनों को ऐड करोगे तो ये आंसर निकलेगा, प्लस इसका फिर ऐड कर देना अलग से, तो 3 प्लस 3 4 4 4
तो ये प्लस इसको ऐड करने के बाद 7 ऐड कर देना, तो इसका आंसर निकल जाएगा पहले वाला आपसे, इतना लंबा नहीं देगा आपको, ठीक है, लेकिन ऐसी ठीक है प्रोसेस है पूरा, क्लोज कर दो फिर आप। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द सीसेट सेशन एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. स्टे विद अस, कीप वॉचिंग. थैंक यू सर.